हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये है इंडियन एमसी फैमिली और ये है अमेरिकन एमसी फैमिली। अब इन्हें देखकर आपको क्या लगता है, अमेरिकन एमसी ज्यादा अमीर है? तो यू आर राइट, बिकॉज अमेरिकन एमसी की एनुअल इनकम लाखों से करोड़ तक होती है, जबकि इंडियन एमसी एनुअली 2.5 लाख तक भी अर्न नहीं कर पाते। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके बावजूद इंडिया के 69% एमसी फैमिली के पास खुद का घर है, जबकि अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 64.4% लोग ही खुद के घर में रहते हैं और 36% यानी कि 1,220 लाख से भी ज्यादा लोग भाड़े पे यानी कि रेंट पे रहते हैं। बट व्हाई? वेल, इसकी वजह है उनकी मेंटालिटी, जिसने उन्हें बेघर तो रखा है पर शायद इसी के वजह से वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है। अब फ्रेंड्स, अगर आप भी सक्सेसफुल मेंटालिटी और दोनों देशों के मिडिल क्लास वालों का मुकाबला देखना चाहते हो तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसे आपको पूरा देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में एक मेगा गिव अवे है जिसमें मैं आपको टेस्ला कंपनी के फ्री शेयर्स देने वाला हूं। Yes, that's correct. So let's get started. अब अगर आप भी इस सक्सेसफुल मेंटालिटी और दोनों देशों के मिडिल क्लास वालों का मुकाबला देखना चाहते हो तो शुरू करते हैं आज का ये वंडरफुल वीडियो, जिसका टाइटल है मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली वर्सेस मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। अब फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं मिडिल क्लास को एमसी बोलूंगा, ओके? क्योंकि बार-बार मिडिल क्लास बोल के मुझे आपको पकाना नहीं है। सो पीयू के हिसाब से 2015 में सिर्फ 2% ही इंडियंस असल में मिडिल क्लास थे। और बस इसीलिए पहले कि हम इस टॉपिक की शुरुआत करें, हमारा इस बात को जानना काफी जरूरी है कि मिडिल क्लास कैटेगरी में फॉल होने का क्राइटेरिया ही आखिर क्या है। वेल, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल काउंसिल, जिनकी हाउस होल्ड इनकम एनुअली 2 लाख से 10 लाख रुपीज के बीच में है, वो लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स सेंसर ब्यूरो के हिसाब से, जिसकी एनुअल सैलरी 38 लाख से 1.15 करोड़ रुपीस तक है, दे आर मिडिल क्लास पीपल। लगाना झटका, मतलब अगर आप इंडिया में करोड़पति हो तो आप अमेरिका में मिडिल क्लास हो। और दोनों देशों के मिडिल क्लास पॉपुलेशन की इनकम के बीच में करीबन 50 लाख रुपयों का फर्क है। पर क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की डेवलप्ड इकोनॉमी है या फिर इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? Well, बिल्कुल है। After all, अमेरिका के मिडिल क्लास पॉपुलेशन व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रही है, क्योंकि अमेरिका में टिपिकल ऑक्यूपेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लास आर अकाउंटेंट्स, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, फिजिशियंस, इंजीनियर्स, लॉयर्स, कमीशन मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्किटेक्ट्स, जर्नलिस्ट्स, मिड लेवल कॉर्पोरेट मैनेजर्स, राइटर्स, इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, अर्बन प्लानर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, रजिस्टर्ड नर्सेस, फार्मासिस्ट्स एंड एनालिस्ट्स। यानी अमेरिका के एमसी वो सारे जॉब्स करते हैं जो इंडिया के अपर एमसी या अपर क्लास लोग करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट एमसी पीपल ऑफ इंडिया, तो उनका टिपिकल ऑक्यूपेशन आईटी प्रोफेशनल, पुलिस ऑफिसर, ऑफिस सपोर्ट, सेक्रेटरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अकाउंटेंट, ट्रक ड्राइवर, टीचर, नर्स, मैनेजर एंड बैंक एम्प्लॉय। इन शॉर्ट, वो सारी जॉब जो सिक्योर्ड है, लाइक टिपिकल 9-to-5 जॉब, जहां सवाल ये उठता है कि इंडियंस हमेशा सिक्योर जॉब्स की तलाश क्यों करते हैं। तो इंडियंस के ऐसे करने के पीछे इंडियंस की मेंटालिटी का एक बड़ा रोल है, क्योंकि आज मिडिल क्लास पॉपुलेशन का एक बड़ा चंक हमारे पेरेंट्स या मोस्टली उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को बढ़ते और लोगों को गरीब होते हुए देखा है। और इतना सब देखने के बाद साइकोलॉजिकली इफ देखने जाए तो नाउ दे आर जस्ट इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी। यही वजह है कि वो लोग सिक्योर जॉब्स को चुनते हैं और अपने बच्चों को भी उसी फील्ड के लिए इंस्पायर करते हैं। यहाँ तक कि अपने पैसों को सिक्योर रखने के लिए हमें क्या कहा जाता है, पैसों को गोल्ड, सिल्वर या माइट बी बैंक के एफडी में रख दो। नाउ हाँ, आई एग्री, वहां पर आपके पैसे सेफ है, पर क्या वो वहां पर सच्ची में ग्रो हो रहे हैं? बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर का रेट तो बढ़ते जा रहा है और पैसे बैंक में कुछ परसेंटेज के साथ ही बढ़ रहे हैं, बट सामने इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आपके पैसे सच में बढ़ रहे हैं? वेल, आई वुड से उतना नहीं बढ़ रहे हैं, एंड दिस केम टू मी एज अ शॉक एज वेल। नाउ एडिंग टू दिस, आप ये वीडियो कहां पे देख रहे हो? YouTube पर, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या Android। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon। मूवीज आई एम श्योर आप Netflix पे देखते होंगे। और जब डेली आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज कर रहे हो और इन कंपनीज के फाउंडर से इंस्पायर हो रहे हो, तो इनके स्टॉक्स का रेट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि वैल्यू जनरेट हो रहा है। अभी हम इंडिया में टेस्ला कार नहीं ओन कर सकते, लेकिन हम टेस्ला के स्टॉक्स जरूर ओन कर सकते हैं। सो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना आज के तारीख का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एंड आई नो वहां पर इन्वेस्ट करने के बहुत सिरदर्द है, चार्जेस एंड कमीशन, स्टॉक एक्सपेंसिव होते हैं, एक एक स्टॉक के हजारों डॉलर्स होते हैं। नाउ वी कम बैक टू अ टॉपिक। इनफैक्ट एचआर कथा, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेटा वेबसाइट है, उसके रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि दुनिया भर के सिर्फ 56% लोगों को ही लगता है कि दे विल हैव अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। वहीं इंडिया में 81% लोगों को भरोसा है अबाउट देयर सिक्योर जॉब्स।
अब भरोसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने बिना रिस्क वाली सीट पे जो अपनी तशरीफ बिठा रखी है। बट जहां पर इंडियंस रिस्क से भाग रहे हैं, वहीं पर अमेरिकन्स बिलीव दैट नॉट टेकिंग रिस्क्स इज द रिस्कीएस्ट करियर मूव ऑफ द ऑल। एंड इफ लॉजिकली देखा जाए तो दे आर काइंड ऑफ राइट, क्योंकि उनका यही कहना है कि आज की तारीख में जॉब्स और जॉब कैटेगरीज आए दिन इन्वेंट और डिस्ट्रॉय भी हुए जा रहे हैं। सो इफ स्पीड की रेस में अगर आप सिक्योर जॉब्स पकड़ के बैठे हो तो दैट वुड बी द बिगेस्ट रिस्क, क्योंकि एज वी नो ऐसा करने से इंसान टेक्नोलॉजिकली और प्रैक्टिकली पीछे रह जाएगा। एंड इफ कल उठ के उसकी सिक्योर जॉब डिस्ट्रॉय हो गई और कंपनी पे ताले लग गए तो बंदा ना यहाँ और ना कहीं और का रहेगा। और इसीलिए अमेरिकन मिडिल क्लास की सोच को सलाम करते हुए ऑक्यूपेशन का पॉइंट अमेरिकन एमसी की झोली में डालते हैं। ग्रेट लॉजिक राइट, बट अमेरिकन एमसी को ये मिला कहाँ से? ऑफ कोर्स उनके एजुकेशन सिस्टम से, जो मेजर फोकस करता है ऑन मेकिंग स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट एंड गिविंग देम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। जबकि इंडिया में बच्चों के रट्टा मारने वाली पढ़ाई और उनके गुड ग्रेड्स के आगे पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम दोनों को कुछ भी नहीं दिखता। इसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेजर डिफरेंसेस ये भी है कि जहाँ इंडिया का एमसी इंसान अपने बच्चों की लाइफ को सेटल करने के लिए उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालना चाहता है, वहीं अमेरिका में ज्यादातर बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। बट व्हाई? वेल, क्योंकि यूएसए में पब्लिक स्कूल्स आर बेटर, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी और कमिटेड मैनेजमेंट के साथ क्वालिफाइड टीचर्स प्राइवेट स्कूल के कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। बट दी ओनली थिंग जो यूएसए के पब्लिक वर्सेस प्राइवेट दोनों ही स्कूल्स में बेहतर नहीं है, वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके चलते पिछले डेकेड में वहां रेशियल, एथनिक और खासकर ब्लैक अमेरिकन्स के सुइसाइड रेट में इंक्रीज देखने को मिला है। 15 से 24 साल के ब्लैक यंग एडल्ट्स के बीच सुइसाइड का तीसरा सबसे बड़ा रीजन भी यही है, जो हर साल 3000 ब्लैक अमेरिकन्स की जान ले लेता है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड नहीं करते। 2020 में ही मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया था। और हालांकि इंडिया में होने वाली इन सुइसाइड्स की वजह रेसिज्म या बुलिंग नहीं है, पर फेलियर, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन या एग्जाम प्रेशर, ये सब है। यानी एजुकेशन के बेसिस पर अमेरिकन मिडिल क्लास के झोले में एक और एक पॉइंट प्लस होगा। लेकिन इन दोनों ही देशों को अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑलराउंड बेहतर सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। अब एजुकेशन और जॉब से एक स्टेप ऊपर बढ़कर देखें और इनके पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन के डिफरेंस के वजह से अमेरिकन एमसी और इंडियन एमसी में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है सैलरी में। क्योंकि जहां इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन है, वहीं यूएस की पॉपुलेशन 333 मिलियन है, जिसकी वजह से वहां कॉम्पिटिशन की कमी है। और इसीलिए एक तरह अमेरिका की बात करें तो एज ऑफ जनवरी 2022 सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में 65.1 लाख लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं, और दूसरी तरफ इंडिया में 530 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। शायद इसीलिए आफ्टर कोविड इंडियन जॉब कंपटीशन में 30% का राइज देखने को मिला है। और जब किसी भी देश और उसके लोगों की इनकम ज्यादा होगी, उस देश के लोगों की परचेसिंग पावर भी ज्यादा होगी, और है भी। यूएसए के पॉपुलेशन की परचेसिंग पावर पेरिटी, यानी उनके करेंसी प्राइस की मेजरमेंट जो उन स्पेसिफिक गुड्स के प्राइस को कंपेयर करती है और जिससे कंट्री के एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर का पता चलता है, वो 2010 में $51,700 थी, जबकि इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ $3,355.95 थी। यानी इंडिया तब परचेसिंग पावर पैरिटी में यूएसए से 14 गुना ज्यादा पीछे था। और रिजल्ट तो आप समझ ही गए होंगे, हायर परचेसिंग पावर पैरिटी होने से ये पॉइंट भी अमेरिकन एमसी वालों को ही मिलता है। अब तक इंडिया ने एक भी पॉइंट नहीं जीता है, बट ये सोचकर दिल मत छोटा करो, क्योंकि हार के जीतने वालों को ही हम इंडियन एमसी कहते हैं। सो अब हम अगले कैटेगरी पर नजर डालेंगे, जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल, और देखते हैं कि ये पॉइंट किसको मिलता है। तो 2017 के TOI के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एवरेज पीपल पर हाउसहोल्ड 4.1 है, यानी यहाँ पर 4.1 लोग एक जेल से भी कम जगह में रहते हैं। वहीं एमसी अमेरिकन्स का घर कुछ ऐसा होता है और उनके एवरेज पीपल पर हाउस का काउंट सिर्फ 2.6 पहुंचता है। यानी यही वजह है कि जहाँ इंडिया के घरों में लोग कुछ इस तरह भरे होते हैं, वहीं यूएसए में लोग मजे से अपनी फैमिली के साथ ऐसी गाड़ियों में बैठकर छुट्टियों का आनंद उठाते हैं। और अगर इन दोनों देशों के एमसी फैमिलीज के खर्चों की बात करें, तो NY टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से लेट 2020 में एक अमेरिकन एमसी फैमिली की स्पेंडिंग कुछ ऐसी या ऐसी थी, यानी महीने में जितने भी कमाए सारे गवा दिए।
पर इंडिया के एमसी के खर्चे भी कुछ ऐसे ही है, जहाँ पर महीने के हाथ में कुछ 20,000 रुपए आते हैं, जिसमें राशन का 5,000 से 7,000 प्लस लाइट बिल से लेकर वाटर बिल और दूसरे छोटे मोटे खर्चे का 2,000 और फिर बचे हुए 11,000 में बच्चों की स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कपड़े वगैरह, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, सेविंग्स सब कुछ करते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उनकी सैलरी समाप्त हो चुकी रहती है। यही वजह है कि यूएसए के मुकाबले इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो एमसी को इंश्योरेंस सेक्टर मिसिंग क्लास कहते हैं, क्योंकि वो इस पर खर्चा नहीं करते एंड इन द नियर फ्यूचर ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि 2020 में ही 32 मिलियन इंडियंस एमसी से पॉवर्टी की रेखा पार कर चुके हैं। लेकिन एक चीज जो आपने इस पॉइंट में नोटिस की होगी वो ये है कि भले यूएसए के लोगों के घर बड़े और लाइफस्टाइल आलीशान हो, पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वहाँ सिर्फ 64.4% लोगों के पास ही खुद का घर होता है, जबकि इंडिया में टोटल हाउसहोल्ड ओनिंग पॉपुलेशन का परसेंटेज 69% है। और जहाँ इंडियंस के अपने घर का सपना सेविंग, इन्वेस्टिंग और सिक्योरिटी होता है, वहीं अमेरिकन मेंटालिटी के मुताबिक लोग घर की सिक्योरिटी के बजाय अपनी जरूरत की चीजें और अपने घूमने घामने और खाने पीने में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपीरियंसेस गेन करने में भरोसा रखते हैं। अब ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मैं सेविंग्स मेंटालिटी को देख कर देना चाहूंगा, इंडिया को ऑफकोर्स, क्योंकि अगर इंडियंस उतने पैसे कमाते होते तो वो शायद अमेरिकन्स की तरह इस तरह नहीं उड़ाते और वो सिक्योरिटी बेस्ड एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते, क्योंकि इतना कम इनकम होने के बावजूद भी वो अपने खुद के घर खरीद पाए। सो यस, ये पॉइंट जाएगा इंडिया को। और अब आते हैं उस बात पर जो इंडियन एमसी के खून पसीने की कमाई को पूरी तरह निचोड़ कर रख देता है। नहीं समझे? वेल, मैं बात कर रहा हूं टैक्स की, उसी टैक्स की जिसे 100% सिर्फ 2.56% ऑफ द पॉपुलेशन ही भरती है, जहां ऑन एन एवरेज 0.56% अपर क्लास है तो 2% लोग तो सिर्फ एमसी है जो टैक्स भरते हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ है टीओआई का वो आर्टिकल जिसमें ये बताया गया था कि एक एवरेज सैलरी अर्नर नॉन सैलरी टैक्स पेयर से 3 गुना ज्यादा टैक्स भरता है। और इससे कितना फर्क पड़ता है इसका अंदाज आपको इस बात से लग जाएगा कि इफ नॉन सैलरीड पॉपुलेशन भी एवरेज सैलरी अर्नर्स की तरह बस अपने टैक्स का 70% भी पे करे तो गवर्नमेंट की अर्निंग हर साल 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडियन एमसी के ऑपोजिट खड़े अमेरिका में भी कुछ इसी तरह का हाल है। वहां 2020 में 61% ऑफ द पॉपुलेशन ने टैक्स नहीं भरा था, यानी इन दोनों ही देशों में लोग देश की गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के पहले अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए इस पॉइंट पर दोनों देशों के एमसी को मिलेगा नो पॉइंट। पर अगर इन सारे पॉइंट्स का टोटल किया जाए फ्रेंड्स, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इंडियन एमसी फैमिली अमेरिकन एमसी फैमिली से इस रेस में पीछे रह गई है एंड इसीलिए द विनिंग टीम इज अमेरिकन एमसी फैमिली। लेकिन अमेरिकन्स की जीत के साथ ही ये क्वेश्चन भी खड़ा होता है कि क्या कुछ ऐसा है जो करके इंडिया भी अमेरिकन्स की तरह नंबर वन पोजीशन हासिल कर सके, क्योंकि किसी भी देश के लिए अल्टीमेट सक्सेस तो यही है ना, जब उनके सिटीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, और इसीलिए इंडिया के लिए ये डेफिनेट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत इंडियन एमसी अपनी मेंटालिटी को और अपने सिक्योरिटी के फियर को पीछे छोड़कर कर सके, और इंडियन एमसी को इसी फियरलेसनेस को अपनाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कुछ है जो हम कर सकते हैं सिचुएशन को बेटर करने के लिए, सो लेट अस नो दैट इज वेल। और अब फ्रेंड्स, आईएनडी मनी ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करो। आपको 250 रुपए के टेस्ला स्टॉक्स फ्री मिलेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर, और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करने पर आपको 750 रुपीज का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा। कोड याद रखो गेट टेस्ला अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, एंड हरी अप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। With that said, as always, stay curious, keep learning, keep growing. Jai Hind!